बरमंडल में जिला स्तरीय बृहद स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, संभाग आयुक्त हुए शामिल, हजारों मरीजों ने लिया स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य सेवा से बड़ा कोई पुनित कार्य नहीं है। शिविर में जो जन से लाभ आया वह सभी के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। उक्त उद्धार बरमंडल में आयोजित बृहद स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर इंदौर संभाग आयुक्त माल सिंह भैडिया ने व्यक्त किया। आयोजन संभाग में आयुक्त भैडिया ने बताया कि MY हॉस्पिटल से करीब 90 डॉक्टरों की टीम, अरविंदो अस्पताल, टी चोइथराम, शेल्बी और जुपिटर सहित कई प्रमुख अस्पतालों के विशेषज्ञ यहां पर सेवा दे रहे हैं। अंतिम मरीज का उपचार करने के साथ ही इस शिविर का समापन होगा। तो वहीं शिविर के शुभारंभ के अवसर पर विधायक प्रताप गरेवाल, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, MY अस्पताल के डीन संजय दीक्षित, अरविंदो अस्पताल के डीन संजय भंडारी, ADM अश्विनी रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलरवा, ग्राम पंचायत बरमंडल के सरपंच शंकरलाल मेडा, CMHO नरसिंह गहलोत, जिला आयुष अधिकारी RC गरेवाल, बदनावर SDM दीपक चौहान, सहायक संचालक कृषि संगीता तोमर, महिला बाल विकास के जिला अधिकारी सुभाष जैन, SDOP आशुतोष पटेल और CBMO डॉक्टर शीला मुजालदा सहित अन्य अधिकारी मंचासीन रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत सामाजिक संस्था सावरिया ग्रुप की ओर से बैज लगाकर राधेश्याम मारू, प्रकाश चौधरी, गोपाल मारू, तेज कुमार मारू आदि ने किया। देखे पूरी खबर सिर्फ मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज चैनल पर। बरमंडल से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। जो हमारा निशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर है बरमंडल में जो आयोजित हुआ है, इसकी तैयारियां हम 8-10 दिन पहले से कर रहे हैं और कलेक्टर साहब ने अच्छी व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित किया है। और हमारे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के लगभग 90 डॉक्टर्स हैं, उसमें कई सीनियर मोस्ट प्रोफेसर वगैरह भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी 25 डॉक्टर करीबन हैं, जिले के 25 डॉक्टर हैं। ऐसे कुल मिला के हमारे 150 करीबन डॉक्टर हैं जो यहाँ पर इस शिविर में हजारों की तादाद में आए हैं। पेशेंट उनका इलाज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप हम शासन की जो मंशा है उसका फील्ड में बखूबी पालन हो और जो गरीब जनता है उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और यहीं पे हम उनका चेकअप हो रहा है और हम इंदौर से ही सोनोग्राफी मशीन करीबन हमारी 6 मशीनें लाए हैं जो कि दूर दराज इलाके में महिलाओं को जो इनकी गंभीर बीमारियां होती है जो पता नहीं चल पाता है, जिनका शहरों में जाने में काफ़ी खर्चा होता है, प्राइवेट एरिया में जाते हैं, तो जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको लोकल लेवल पे सुविधा मिले, यहीं पे मौके पे मिले। तो आज सोनोग्राफी भी हो रही है, काफ़ी तादाद में महिला आई है अपने स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए। और दूसरी भी हम सुविधाएँ हैं यहाँ पे, जैसे डेंटल वाली चेयर हैं, 4 चेयर हैं, इको है, ECG है और सभी आर्थों से संबंधित हैं, सभी मेडिकली जितने क्लिनिकली जितने भी डिपार्टमेंट हैं वह सब डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। और हमारा ये शिविर है बहुत ही सक्सेस लग रहा है और जो हमारी मंशा और गवर्नमेंट की जो मंशा है, हम गरीबों की सेवा उनके नज़दीक में जाकर हम कैंप आयोजित करके उनको उपलब्ध कराएँ, उसको पूरा हम प्रयास में हैं। सर आपके द्वारा मल्लिकार्जुन जी, मैं सभी युवाओं को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान महादान है और हम सभी लोगों को पता है कि धार जिले में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, हम लोग उसके लिए निरंतर प्रयासरत कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ दो बड़े हाईवे आए दिन आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि सही समय पे ब्लड मिलना, क्योंकि पहला जो घंटा होता है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं एक्सीडेंट में, उस समय व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता खून की पड़ती है।
इसलिए मेरा सभी धारवासियों से आग्रह, खासकर युवाओं से आग्रह है कि वो आए अधिक से अधिक संख्या में, ब्लड डोनेशन के हमारे जो आज का कार्यक्रम है उसमें हिस्सा बने, ताकि हम अपने जिले में इस प्रकार से होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें हम लोगों की जान बचा सकें और सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत आपके। देखिये, किसी भी हेल्थ कैंप का जो मुख्य जो धरा है वो तो डॉक्टर्स हैं, और यदि आज यहाँ इतनी अधिक संख्या में हितग्राही आए हैं उसके पीछे कारण ये है कि जिस स्तर के चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं, ये वो हैं जिनके लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, उसके बाद भी शायद मौका नहीं मिलता, और ये चिकित्सक जो हैं संभाग आयुक्त महोदय की प्रेरणा से उनके निर्देशन में खुद चलकर वरमंडल में आए, हमारे बीच में आए, तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे चिकित्सकों को ही देना चाहूँगा, सर को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से और चिकित्सकों की ही वजह से हेल्थ कैंप लगता है, मुख्य तो हेल्थ कैंप में चिकित्सक ही है। बाकी हमारा हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा हेल्थ कैंप आयोजित करने का मौका मिला, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, उनकी बड़ी मेहनत है, और आप लोगों को भी, क्योंकि आजकल सारा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से ही होता है और जन जन तक बात पहुंची और वो लोग खुद आए, तो मैं समझता हूँ कि ये सफल आयोजन रहा है, और हम आज से और सीखेंगे, और आने वाले समय में जैसा सर ने बताया कि और धार बहुत बड़ा जिला है, यहाँ और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो लोग आज नहीं आ पाएंगे दूरी की वजह से, ऐसे एक छोटे छोटे कैंप्स हम और ऐसे लगाएंगे कि पूरा जिला आएगा।